चांस एक ही बार मिलता है, और एक बार आउट तो फॉर एवर आउट। थिंक अबाउट दैट। बर्थ डेट, जी हाँ दोस्तों, आज मेरा बर्थडे है। हाँ, जो हमारा वृद्धावस्था होता है, ये एक ऐसा अवस्था है जहाँ पे हम किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। किसी सहारे के मतलब कि बिना सहारे के हम चल नहीं सकते हैं। 14 जनवरी को इधर आया था मैं, और मैंने बोला था कि मैं मेरे बर्थडे में जरूर आऊँगा। ये देखो मेरा नाम। हाँ। और अगेन मैं मेरा बर्थडे के दिन एंट्री मार रहा हूँ। बिल्कुल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल विद न्यू ब्लॉग, न्यू जोश, नया सवेरा, नई धूप, नया दिन और फिर एक नया साल। स्टे ट्यून्ड। तो फ्रेंड्स, इतना लंबा चौड़ा वेलकमिंग करने का एक कारण है। कारण, चलो मैं आपको एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। तो दोस्तों, अभी तो आपको पता ही है, एक तो इलेक्शन और दूसरा आईपीएल। आईपीएल में ना जाने कितने मैच होते हैं, प्लेयर एक बार आउट होता है, दोबारा दूसरे मैच में खेलने का मौका मिलता है। पर अपनी ज़िंदगी की एक मैच है, मतलब अपनी लाइफ की एक मैच है, जिसमें हमको परफॉर्मेंस हर समय अच्छा करना पड़ता है। चांस एक ही बार मिलता है, और एक बार आउट तो फॉर एवर आउट। थिंक अबाउट दैट। तो दोस्तों, वेलकमिंग डायलॉग बोलने के बाद मैंने नया धूप, नया सवेरा, नए साल की बात कही आपसे। तो हमारे जीवन में भी नया साल दो टाइप का होगा। एक तो जो होता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, और दूसरा होता है हमारा बर्थ डेट। जी हाँ दोस्तों, आज मेरा बर्थडे है। नेक्स्ट इवनिंग खेलने जा रहा हूँ, तो विश मी बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, एंड योर ब्लेसिंग इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फॉर मी। मैं ऐसे ही आपके बीच में आके ब्लॉग करता रहूँ, बस आपका विशेष चाहिए। स्टे ट्यून्ड। थोड़ी ही देर में आपको शुभम भी दिखेगा, हालांकि शुभम को मैंने कुछ बताया नहीं, ये तो पता लग जाता है ऑटोमेटिक। कुछ लोगों का सुबह से ही फ़ोन आया, सुबह सबसे पहले छोटे भाई सुनील का फ़ोन आया, फिर हमारे रिलेटिव हमारी फूफू जी उनका फ़ोन आया, तो फ़ोन तो आता रहेगा, पर शुभम को बताया नहीं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ अपना जो बर्थडे होता है, आप ऐसे जगह बनाओ जिनका कोई नहीं। तो मैं आज फिर उसी जगह में आपको लेके जाने वाला हूँ। जी हाँ, मैं आपको लेके जाने वाला एक अनाथ आश्रम, जहाँ पे मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा। पर मेरे इस जीवन में मेरे माता पिता, मेरे भाई लोग, मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मिसेस, बच्चे और परिवार के तमाम लोगों का सहयोग है, आशीर्वाद है, जिनके कारण मैं आज यहाँ पहुँचा और आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहूँगा। स्टे ट्यून्ड। आगे हम लोग प्रदीप स्वीट में, यहाँ की दुकान है पिंपरी छिंचोड़ निगड़ी की, दुकान अभी खुली नहीं, थोड़ी देर में खुल जाएगी। शुभम को अभी भी पता नहीं है, शुभम अभी भी बस हम लोग ब्लॉगिंग जा रहे हैं, उसी के लिए आया है। तो शुभम, ये है इंद्रायणी वृद्ध आश्रम, यहाँ पे मैं पहले भी आया था और मैंने जिक्र किया था कि मैं मेरे बर्थडे में ज़रूर यहाँ आऊँगा। शुभम, थैंक यू वेरी मच, आपको लगा यार ये मैं वही बोल रहा था, शुभम को पता लगता कि लगता। चलो एंजॉय करते हैं मेरा बर्थडे। माझा आज वाढदिवस है, मी मागच्या मध्ये टाइम म्हणलं होतं की माझा वाढदिवस मी इथं साजरा करणार, मागचे टाइम आलो होतो त्यांना माहिती, ठीक आहे। Yeah.
तो 14 जनवरी को इधर आया था मैं, और मैंने बोला था कि मैं मेरे बर्थडे में जरूर आऊंगा, ये देखो मेरा नाम हाँ। और अगेन मैं मेरे बर्थडे के दिन एंट्री मार रहा हूँ बिल्कुल तो जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ ओके तो फ्रेंड्स मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि देखो बर्थडे में हम तो खर्चा बहुत ज़्यादा कर देते हैं, और छोटा मोटा खर्चा 1% आप अगर ऐसे अनाथ आश्रम में दो तो कम से कम उनका 1 महीना सुकून से जाएगा और उनसे आपको बेस्ट ब्लेसिंग भी मिलेगी। तो सोचिए इसके बारे में, हम जब हमारे माँ बाप होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा बर्थडे हमारे दोस्त लोगों के साथ होटल में यहाँ वहाँ सब जगह बनाते हैं, और जब माँ बाप चले जाते हैं तो हम ढूंढते हैं उनको और यहाँ आते हैं। तो जिसके घर में उनके हैं माँ बाप तो प्लीज़ उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके ब्लेसिंग लीजिए, उनके मार्गदर्शन में चलिए और अपना मंजिल को पाई। शुभम भी सरप्राइजली मेरे पास आया, हालांकि उसको क्लू पहले कुछ पता नहीं था, जब मैं सामान खरीदने लगा तब उसको पता लगा भाई हाँ भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है तो उसको पता लगा हाँ भाई मेरा बर्थडे है। शुभम क्या कहना चाहोगे आप ये हम यहाँ पे आए इसके बारे में? सर यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि सर जीवन का ऐसा पड़ाव होता है कि पहले बाल्यावस्था होती है, पहले शिशु होते हैं, फिर बाल्य होता है, फिर हम अपने युवा अवस्था में आते हैं, फिर हमारा वृद्धावस्था आता है। तो हर अवस्था में क्या होता है कि पिछले तीनों अवस्था में, चाहे कि युवा जब शिशु होते हैं, छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता हम पर ध्यान रखते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं तब भी माता पिता हमारा केयर करते हैं, फिर हम और बड़े होते हैं शादी हो जाती है हमारी तो हम खुद से अपना कर पाते हैं और हमारे जीवन साथी मिल जाता है वो भी हमारा सपोर्ट करता है। लेकिन ये वृद्धा जो हमारा वृद्धावस्था होता है एक ऐसा अवस्था है जहाँ पर हम किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, किसी सहारे की मतलब कि बिना सहारे के हम चल नहीं सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि यही मैं सबसे अपील करता हूँ कि लोग वृद्धावस्था में किसी न किसी का सहारा बने और हमेशा बर्थडे या आपका कुछ भी जो सेलिब्रेशन होता है इनके साथ मनाएं। वेल सेड शुभम, मैं यही चाहता था। देखो मेरे एक अप्रोच से अगर कोई जगता है तो इसमें बहुत बड़ी बात है। देखो मतलब पहली बात तो है कि मैंने ज़्यादा क्या दिया, मैंने थोड़ा आइटम जैसे आपने देखा, पर उनका 1 महीना सुकून से जाएगा ना टेंशन से। तो यही लोगों सभी से अपील है, प्लीज़ अपना जो बर्थडे होता है या शादी का सालगिरह होता है आप आइए, अगर नहीं भी रुकना चाहते हैं तो आके उनको अनाज का दान करके चले जाओ ताकि उनका जो आगे के जो दिन है वो अच्छे से गुजरे और आपको अच्छा ब्लेसिंग मिले। इसी के साथ मेरा ये बर्थडे ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। आपके भी बर्थडे विशेष की मेरे को बहुत ज़रूरत है, तो एक बार फिर से भी आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। चलो ख़त्म करता हूँ इस ब्लॉग को, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अंटिल देन गुड बाय।